नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। तो ये है ग्रैंड टेनिया स्पोर्ट्स मैनुअल ट्रांसमिशन, पेट्रोल में अवेलेबल है। इसका ये की है, इस तरह से आपको फ्लिप रिमोट की मिलेगी, एक नॉर्मल मैकेनिकल की मिलेगी। लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन करने के लिए, बूट अनलॉक करने के लिए भी ऑप्शन इसमें मिलने वाला है। तो इस तरह से की है, हाई क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी आपको की इसमें जरूर देखने को मिलेगी। सामने से बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्टर मिल जाएगा, ओके। देन नीचे है ट्रायर में DRL, ये ही इसका आपको इंडिकेटर हैलोजन में मिलने वाला है। तो प्रोजेक्टर डेफिनेटली मिल जाते हैं, Hyundai का लोगो, ब्लैक ग्रॉसी आपको ग्रिल यहाँ देखने को मिलेगी। इस तरह से फ्रंट प्रोफाइल ग्रैंड टेनियोस का निकल के आ रहा है दोस्तों। बात करके साइड प्रोफाइल से, तो साइड प्रोफाइल इस तरह से आपको स्टाइल रिम्स मिलेंगे 14 इंच के, ओके 15 इंच का स्टाइल रिम है। 175/60 टायर सेक्शन रहने वाला है। आगे डिस्प्ले, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा, मैक्रो स्ट्रट के सस्पेंशन आगे और पीछे आपको टॉर्जन बीम के सस्पेंशन देखने को मिलने वाले हैं। 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। डायमेंशंस की बात करेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, रूफ रेल्स मिल जाएंगे, शार्कफिन एंटीना मिल जाएगा, बी प्लेयर ब्लैक्ड आउट है। यहाँ से आप फ्यूल इनलेट कर सकते हैं, इसका ओपनिंग आपको आगे दिया गया है। 37 लीटर की फ्यूल टैंक इसमें प्रोवाइड की गई है, ओके। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्वार्टर पैनल का ग्लास है, GI10 की बैजिंग आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे पीछे से, तो पीछे से कुछ प्रोफाइल इस तरह से आपको निकल के आ रहा है जी। ग्रैंड I10 स्पोर्ट्स नियोस की बैजिंग है, Hyundai का लोगो है, कमल Hyundai में हम शूट कर रहे हैं। देन वॉशर वाइपर नहीं मिलता, लेकिन डी फोकर इसमें प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाएगा, दो सेंसर्स, दो रिफ्लेक्टर्स एंड कैमरा यहाँ मिल जाएगा, ओके। और आपको बूट ओपन करने के लिए हेलोमेट बटन दिया गया है, ग्रैब हैंडल है, पैडिंग इंसुलर, देन आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे प्रोवाइड किया गया है। 260 लीटर की बूट स्पेस इसमें मिलने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं बूट लैम्प एंड 14 इंचेस का आपको स्टील रिम इसमें प्रोवाइड किया गया है, ये इसका 14 इंचेस का, ओके। वो भी आपको लगा है 165/70 का टायर सेक्शन रहने वाला है दोस्तों। दोस्तों हुड के नीचे क्या है, तो इसके इसमें आपको रिफाइंड साइलेंट इंजन मिल जाएगा। कोई भी इसमें आपको इंसुलेशन नहीं प्रोवाइड किया गया, जरूरत ही नहीं है इतना। ये सक्सेसफुल 1.2 लीटर के सीरीज का इंजन है, लगभग 83 BHP एंड 113 Nm का टॉर्क ये जनरेट करेगा। 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। CNG का जो रहने वाला है 30 के आसपास आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिटी में 13-14 मान के चलो, हाईवे के ऊपर 18-20 ये आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में निकल के देगी। ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल है, AMT में भी अवेलेबल है, चाहे तो आप उससे भी कंसिडर करवा सकते हैं। अंदर जाने के लिए आपको मालूम है लॉक अनलॉक करने के लिए ऑप्शन की मिले जाएगी, मैनुअल भी ऑप्शन है। ड्राइवर्स का डोर हनीकॉम हुए, मल्टी कलर आपको ये डोर देखने को मिलेगा। लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, विंडो के लिए लॉक अनलॉक करने के लिए ये भी ऑप्शन है। ड्राइवर्स का जो विंडो है दैट इज वन टच डाउन, नो वन टच अप, मिरर एडजस्ट, फोल्ड, दोनों ऑप्शन यहाँ मिलने वाला है। 1 लीटर बॉटल की जगह स्पीकर, सीट्स, ये सीट्स है दोस्तों वो आपको एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल, ओके, सीट्स मिलते हैं, बेसिकली एंटी माइक्रोबियल सीट्स है ये। हाइट एडजस्टेबल, एंगल एडजस्टेबल, आगे पीछे आप कर सकते हैं। यहाँ से फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं। 37 लीटर टैंक कैपेसिटी रहने वाली है। और आपको है ना ब्लैक पाइपिंग देखने को मिलेगी, साइड में आपको लेदर वर्क है, बीच में आपको फैब्रिक सीट्स प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे है ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ESC ऑफ करने के लिए बटन, हेडलैम्प लेवनी का बटन, ब्रेक पेडल, एक्सेलरेटर पेडल, क्लच पेडल, डेड पेडल भी इसमें दिया गया है एंड आपको फिटवेल लाइट भी यहाँ मिलने वाली है। मर्सिडीज स्टाइल में आपको इसमें AC वेंट्स मिलेंगे, साइड में आपको फुल ग्लॉस ब्लैकी इसेंस भी इसमें देने की कोशिश की गई है। आपका साइड में डीफॉगर रहने वाला, जो आपको विंडो के साइड में अगर फॉग जमा होता है तो उसे रिमूव करने के लिए वो ऑप्शन है। दोस्तों ये इसका इंटीरियर, डोल टोन मल्टी कलर आप बोल सकते हैं इसका इंटीरियर यहाँ पे मिलने वाला है। गाड़ी में आपको चालू करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से इंटीरियर आपको मिल जाएगा, ओके। 7 इंच की टच स्क्रीन है, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले कनेक्टेड विथ वायर्ड ये ऑप्शन है, लेकिन दी गया वो इम्पोर्टेंट है। कैमरा क्वालिटी इस तरह से मिल जाएगी, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। दूसरा, 4 स्पीकर इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, नो ट्विटर ऑप्शन, ऑटोमेटिक AC, 12 पावर सॉकेट, USB कनेक्टिविटी एंड सी टाइप चार्जिंग ऑप्शन। यहाँ स्पेस है, दो कप होल्डर, यहाँ स्पेस है, हैंड ब्रेक। ऊपर बात करेंगे डे नाइट रियर व्यू मिरर, मैनुअल एडजस्टमेंट, वैनिटी मिरर, ओके। यहाँ पे टिकट होल्डर जरूरत नहीं आजकल, यहाँ पे आपको माइक देखने को मिलने वाला है। मर्सिडीज स्टाइल AC1, हनीकॉम वर्क, नो क्लू ग्लोबस, बट ग्लोब बॉक्स बहुत बड़ा इसमें दिया गया है। जो स्टेयरिंग है दोस्तों दैट इज ओनली एडजस्टमेंट, टिल्ट एडजस्टमेंट, नो टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट। लेफ्ट साइड में जो स्विचेस है दैट इज इंफोटेनमेंट, राइट साइड के स्विचेस है वो आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। बहुत बढ़िया चीज़ है, Hyundai का लोगो, ओके। वर्क एंड नो लेदर ऑफ स्टेयरिंग, लेफ्ट साइड में वाइपर कंट्रोल, राइट साइड हेडलैम्प कंट्रोल, हेडलैम्प्स ऑटोमेटिक मिलते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। एंड कुछ रह गया है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर,
न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब आप इसमें देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया इसमें ऑप्शन है। लेफ्ट साइड में जो है वो आरपीएम मीटर, राइट साइड में है स्पीडोमीटर। आरपीएम के मीटर की यहाँ पे ही आपको टेम्परेचर इंडिकेटर मिलेगा और दूसरा आपको फ्यूल इंडिकेटर आपको स्पीडोमीटर के पास में देखने को मिलने वाला है। बात करेंगे आगे फीचर्स की। ओके, तो इसमें क्या है ना, फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी इंस्टेंट। ओके, देन आपका एवरेज है ना, ऑक्यूमेटेड इन्फॉर्मेशन, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन वो है डिजिटल में, स्पीड है, देन इसमें TPMS प्रोवाइड किया गया है, सेटिंग्स है। ओके, देन ये डोर लॉक अनलॉक, लाइट, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर्स, लैंग्वेज। अदर फीचर्स में क्या है, एक बार देखते हैं। फ्यूल इकोनॉमी यूनिट, टेम्परेचर यूनिट, टायर प्रेशर यूनिट वो आप चेंज करवा सकते हैं। ओके, एंड फुटवेल लाइटिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा। तो ये फुटवेल लाइटिंग भी इसमें अब आपको इनबिल्ट मिल जाती है। दूसरा बात करेंगे स्पेस के बारे में। तो हेडरूम अच्छा खासा है, लेकिन हेडरेस्ट है वो फिक्स्ड है, तो थोड़ा हेडरेस्ट कम पड़ता है, दैट इज़ ओके। वो करना चाहिए तो मुझे लगता है कि नेगेटिव मुझे मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली है। चलिए पीछे चलते हैं, पीछे का कुछ ऑफर किया उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर रियर से बात करेंगे तो डोर ओपनिंग पहले दिखा देता हूँ। इतनी आपको डोर ओपनिंग मिल जाएगी, ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक, पावर विंडो का बटन, हनीकॉम वर्क, सिल्वर में डोर हैंडल, अगेन वन स्पीकर, वन लीटर बॉटल रखने के लिए जगह। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टू एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, बेंच फोल्डिंग सीट्स है, नो आर्मरेस्ट, बट यू विल गेट चाइल्ड सेफ्टी माउंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, ये फैब्रिक सीट्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। बैठ के दिखा दे तो आपको इसमें कैसा स्पेस है ये देख लेना दोस्तों। नी रूम बहुत बढ़िया है, लेग रूम अच्छा खासा है, थाई सपोर्ट तो अल्टीमेट है इसमें। दूसरा हेडरूम भी देख लेना, बहुत बढ़िया हेडरूम है। ओके, ग्रैब हैंडल, हैंगर हुक, और बीच में आपको लाइट भी यहाँ मिल जाएगी। हेडरेस्ट होने के कारण इसमें आप कंफर्टेबल जर्नी कर सकते हैं। छोटी गाड़ी होके भी इतना सारा स्पेस निकालना है, उसके लिए उनका एक थम्स अप। और पीछे आपको रियर रिसीवेंट्स 12 वोल्ट का पावर सॉकेट जरूर देखने को मिल जाता है। बेंच फोल्डिंग सीट से फिर भी थम्स अप मिलता है। कल मैं टाटा की भी गाड़ी चला रहा था, टाटा अल्ट्रॉस, तो उसमें है ना दोस्तों रियर का स्पेस नहीं था और थाई सपोर्ट बहुत कम लग रहा था मेरी हाइट को। मेरी हाइट 5'11" है, तो एक मुझे नेगेटिव वहाँ लगा था जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया था। दोस्तों बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर के बारे में। देखो अभी सेफ्टी 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 सबके जुबान के ऊपर आता है, तो हुंडई वाले ने एक स्टेप बढ़ा के अब आपको इसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। 6 एयरबैग्स, TPMS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल। ओके, ESC और ट्रैक्शन कंट्रोल, ये चीज़ें जो है वो अभी आपको स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। क्या कुछ सेफ्टी फीचर इसमें मिलेगा, जैसे कि 6 एयरबैग्स मिलेगा, ABS विथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलने वाला है, ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें मिलने वाला है, हील असिस्ट है, देन चाइल्ड सेफ्टी माउंट्स इसमें प्रोवाइड किए जो पहले के नियोस में नहीं थे, फेसलिफ्ट में आप इसको मिलने वाले हैं। बाकी ABS EBD ऑप्शन है ही है। तो ये गाड़ी की एक शोरूम प्राइस है 7,36,000 रुपीज स्पोर्ट्स मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए, एंड इसका जो CNG वर्जन है उसमें आपको लगभग 8,23,000 उसकी एक शोरूम रहने वाला नीचे आपको मिलने वाला है। तो ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं चाहिए, अगर आपका सिटी रनिंग है, रनिंग कम है एंड सिटी में आपको गाड़ी चलाना है, छोटी गाड़ी चाहिए, तो ये गाड़ी परफेक्ट है। बिकॉज फीचर रिच है, सेफ्टी पे भी इसमें इंप्रूव किया गया है। हुंडई वाले बोलते हैं सेफ्टी रेटिंग आई नहीं है, लेकिन ये शायद बाहर दिन के आप में इसको टेस्ट किया जा सकता है। तो दिस इज द कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ ग्रैंड निओस स्पोर्ट्स मैनुअल ट्रांसमिशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।